आइए पंडित जी। दुबे जी। जी सर। मेन गेट बंद कर दिया? जी हाँ सर, और बाकी पुलिस वाले बाहर वैन में बैठे हैं। वेरी गुड। और पंडित जी? हाँ सर। क्या लग रहा है आपको? सर इस समय हमको बहुत भूख लग रही है सर। अरे भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, कल रात खाना भी नहीं खाया था। वैसे इनके यहाँ गुलाब जामुन अच्छा था। नहीं मैं कह रहा हूँ, क्या लगता है आपको खून किसने किया हो? सर मुझे लगता है कि ये खून जो है चौधरी जी ने किया है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? अरे सर वो दिन भर नशे में रहता है इसीलिए तो। नशे में रहता है इसलिए खून किया है? पंडित जी आप भी ना। रघु आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है खून उस नारियल पानी वाले ने किया होगा। सर वो जितना सीधा दिखता है हकीकत में वो उतना सीधा नहीं है। दुबे? सर मुझे तो पूरा यकीन है कि खून उसी ने किया जो अंधा बन के घूमता है। बब्बन जी? सर मेरे ख्याल से खून भंडिया ने किया है, इसीलिए अभी तक हवलदार ही हैं आप लोग। और बब्बन जी आपका प्रमोशन होने में बहुत देर लगने वाली है। अच्छा सर आपको क्या लगता है कि ये खून किसने किया होगा? खून हुआ ही नहीं है। हा? अरे मुन्ना तो मरा ही नहीं है, मुन्ना अभी जिंदा है। और यही बात आप लोग जाके अलग अलग गेस्ट से बताएंगे कि मुन्ना मरा नहीं है, वो बेहोश था, उसका इलाज चल रहा है और बहुत जल्दी ही वो गवाही देने वाला है। सर इससे हमें क्या फायदा है? अब ज्यादा सवाल मत कीजिए, जाइए। और देखिए ध्यान रहे, खबर इस तरह फैलाइएगा कि ऐसा नहीं लगे कि आप लोग जानबूझ के अफवाहें फैला रहे हैं। सर उनको लगना चाहिए ये खबर खास उनके लिए दी जा रही है। जी यस सर। समझ गए? जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। अब देखता हूँ मैं कौन